नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। देखिए, विंडोज़ 10 के अंदर जो यहाँ पर लैंग्वेज है मेरी, इंडिया की इंग्लिश है, इंग्लिश यूके की है, हिंदी है, उर्दू है और भी जो लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इनको हम आपके जो कीबोर्ड है उसके द्वारा चेंज कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंग्लिश में, जैसे कि मैं लिखता हूँ नरेंद्र, ठीक है। अब मुझे हिंदी में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, माउस को इधर ले जाना पड़ेगा, हिंदी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हिंदी लिखना पड़ेगा। लेकिन हम माउस बिना माउस के कैसे लैंग्वेज स्विच करें। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप, जैसे मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है, आप विंडोज़ प्लस स्पेस बटन दबाइए। देखिए मतलब कैसे, जैसे कि आप ए बार दबाइए, दो बार, देखिए जैसे इंग्लिश है तो आप ए बार दबाएंगे, इंग्लिश यूके हो गया, नीचे आ गया, ठीक है, हिंदी आ गया, उसके बाद वापस दबाएंगे उर्दू हो गया, वापस दबाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अल्टर, राइट वाला अल्टर, ठीक है, सॉरी लेफ्ट वाला अल्टर, और अल्टर शिफ्ट दबाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देख रहे हैं आप, नीचे देखिए ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गए दो तरीके लैंग्वेज स्विच करने के। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं शॉर्टकट की दबाऊँ और ऑटोमेटिक लैंग्वेज चेंज हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि आप, जैसे कि आपने इंग्लिश ले रखा है लेकिन अगर आपको कहीं पर हिंदी की जरूरत पड़ रही है और आप माउस के द्वारा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कोई मैं शॉर्टकट की दबाऊँ, कीबोर्ड की ऑटोमेटिक हिंदी सेलेक्ट हो जाए, तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ऑल सेटिंग अंदर आना है और यहाँ पर आना है टाइम एंड लैंग्वेज। इसके अंदर आने के बाद आपको आना है लैंग्वेज के अंदर और सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है चूज है इनपुट मेथड टू ऑलवेज यूज एज डिफॉल्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनपुट लैंग्वेज होटकीज। यहाँ पर आने के बाद आपने जो जो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर इंस्टॉल कर रखी है, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी, सबकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको जिस चीज की शॉर्टकट ही बनानी है आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए हम हिंदी की बना लेते हैं। हिंदी की बनाने के लिए हिंदी पे क्लिक कर लीजिए, चेंज की पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इनेबल की पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट अल्ट और कंट्रोल शिफ्ट। तो हम कंट्रोल शिफ्ट द्वारा बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ कौन सा बटन दबाना चाहते हैं, हम इसके साथ दबा देंगे एक, ठीक है। ये दबाने के बाद ओके कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर इंग्लिश ले रखा है, ठीक है, हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, इंग्लिश ले रखा है। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी करनी बिना माउस की हेल्प के, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एक दबाइए, ये नीचे देखिए हिंदी हो गया ना, तो आप यहाँ अभी आप कंप्यूटर के कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज का शॉर्टकट की बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।